तो आज मैं हूँ अपने होम स्टेशन वाराणसी जंक्शन पे और मुझे जाना था दिल्ली और मैंने सोचा क्यों ना आज वंदे भारत में सफर किया जाए। देखे तो सही कि 3 सालों बाद आखिरकार वंदे भारत वैसी है या फिर कुछ बदलाव हुआ इसमें। दोपहर के 2 बजे ट्रेन न्यू दिल्ली से आती है और 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे वापस न्यू दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। और लीजिए दरवाजे ही बंद हो गए। बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे ट्रेन वाराणसी जंक्शन से निकल चुकी है और अगले 8 घंटों में ये दरवाजे बस चंद मिनटों के लिए खुलेंगे। और अच्छी बात बोलो मेरी सीट पे कोई आया नहीं है, लेकिन हो सकता है शायद प्रयागराज पे कोई पैसेंजर जो है वो आ जाए यहाँ पे। बाकी फिलहाल अभी तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी टाइम बाद वंदे भारत एक्सप्रेस में सफ़र कर रहा हूँ मैं। जो चीज़ नहीं बदली अभी तक वो ये कि इसका एक्सेलरेशन कमाल का एक्सेलरेशन है। और ट्रेन निकलने कुछ देर बाद ही पानी की बॉटल भी सर्व हो जाती है। एक चीज़ में भूल गया था कि इस ट्रेन में चार्जिंग सॉकेट जो है वो कहाँ पे है, पर फिर मुझे याद आया कि भाई चार्जिंग सॉकेट जो है वो तो यहाँ नीचे होता है। और ये बस कब क्यों दे दिया, बहुत देर मैं कप को बस ऐसे ही देखता रहा और फिर सोचने में लग गया कि ये खाली कप क्यों दिया। तो मैं इस कप को देख करके सोच रहा हूँ कि ये खाली कप क्यों दिया गया और इसमें क्या सर्व होने वाला है। ये खाली कप देने के करीब 40 मिनट बाद एक बड़ी सी प्लेट में ढेर सारी खाने की सामग्री आती है जिसमें चीज सैंडविच, कचौरियाँ, जूस और कैरमल पॉपकॉर्न था। और फाइनली खाली कप में आखिरकार गर्म पानी सर्व हो जाता है और मैं उसकी चाय बना लेता हूँ। तो जैसा कि सुनने में आया है कि इंडियन रेलवेज जो है वो नए वंदे भारत जो है वो इंट्रोड्यूस कर रही है अलग अलग रूट्स पे, और फिलहाल अभी जो है वो मुंबई अहमदाबाद के बीच में एक वंदे भारत चलने को बिल्कुल तैयार है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो अलग होने वाली हैं हमारी इस वंदे भारत की तुलना में उस वंदे भारत में। तो बहुत ही माइनर से कुछ चेंजेस जो है वो होने वाले हैं इस वंदे भारत और उस वंदे भारत में। हालांकि इस वंदे भारत में बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको उस वाले वंदे भारत में जो है वो ठीक कर दिया गया है। इस पुराने वंदे भारत में आज भी अंदर के डोर्स ऑटोमेटिकली काम करते हैं, ट्रेन साफ सुथरी और प्रीमियम लगती है। और इसी प्रीमियम ट्रेन में मुझे कुछ मजबूर लोग भी दिखे जो इस ट्रेन के कोने में सफर कर रहे थे। और उसी वक्त मेरा ध्यान जाता है इस अजीब सी आवाज पे, जैसे मानो अंदर के पुर्जे ढीले हो चुके हो। फिर वॉशरूम में ये सोच के गया कि हालत खराब होगी, पर नहीं यार, ये तो बिल्कुल क्लीन लग रहा है फिलहाल। तो वॉशरूम तो काफ़ी क्लीन है, इसमें कोई शक नहीं है। इतने साल बीतने के बाद भी वॉशरूम जो है वो साफ़ सुथरे हैं। और ये अब आपको आइडिया लग गया होगा कि जो वंदे भारत में बाहर से शॉट आपको देखने को मिलते हैं वो कहाँ से देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत ही रिस्की होता है। अगर इसमें फ़ोन ले जाते हो तो फोन गिरने के चांस, फोन आपका गिर सकता है, तो ये रिस्क आप कभी मत लेना। और लगातार बारिश के कारण गंगा जी अपने पूरे उफान पे थी, मानो जैसे नदी नहीं सागर के ऊपर से निकल रहे हो हम। और ये सब देख के लग रहा जैसे इस कोच की हालत वाकई में खराब थी। तो ये जो स्टेशन है इसका पहले नाम था इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन, जो कि चेंज हो गया है प्रयागराज रामबाग में। और ये है कामायनी एक्सप्रेस। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है, पर नहीं। और अभी आपको लग रहा होगा कि प्रयागराज को हमने स्किप कर दिया, पर नहीं। ट्रेन बिल्कुल कोने में बने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे जाती है, जो बाकी प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पे है। right
तो सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और अपने को रिस्क लेना है यहाँ पे, क्योंकि दरवाजे जो है वो कभी बंद हो सकते हैं। हालांकि नोटिफिकेशन जो है वो सुनाई देती है। जैसे ही मैं अंदर आया तुरंत दरवाजे बंद हुए। प्रयागराज से निकलने के बाद जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ती है तो कुछ अजीब सी वाइब्रेशन होने लगती है कोच में। और तभी बाहर DFC पे एक गुड्स ट्रेन बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रही थी। लगा जैसे WG-12 होगा जो इतनी तेजी से इसे खींच रहा है, पर ये तो WG-7 था। ये सब देखते देखते सूरज भी ढलने लगता है और मैं गेट पे चला जाता हूँ। थोड़ी देर सनसेट देखने के बाद सर में दर्द होने लगता है, कारण ये था। ये आवाज से परेशान होकर मैं वापस सीट पे चला जाता हूँ और हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल पहुंच जाती है। और फिर से अब गेट खुलने वाले हैं। तो कानपुर पहुंचने का सही समय था 6:30 और बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन पहुंची यहाँ पे। सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है इतना बड़ा स्टेशन होने के बाद भी। और एक और चीज़ है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने करीब 318 किलोमीटर की जर्नी जो है पूरी कर ली है। 3 बजे हम निकले थे तो करीब 3.5 घंटे में ये 318 किलोमीटर की जर्नी जो है वो हमने पूरी कर ली है। नॉट बैड, मतलब अच्छी बात है। और ऑलमोस्ट इतना ही वक्त लगता है हमारी शताब्दी को भी नई दिल्ली से ग्वालियर आने में, हालांकि थोड़ा और कम लगता है। बाकी चलो इस रूट पे 130 का जो रेस्ट्रिक्शन है ना, हालांकि 130 किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है वो सिर्फ प्रयागराज से कानपुर के बीच में ट्रेन चली है, इसलिए समझ सकते हैं कि इतना देरी हो सकता है। लेकिन फिर भी एक्सेलेरेशन काफ़ी बढ़िया है और डोर्स जो है सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था और 2 मिनट में दरवाजे जो है ना वो बंद हो गए। और इस तरफ खड़ी है उधमपुर प्रयागराज। कानपुर से निकलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना एक्सेलरेशन मेजर करते हैं। आज भी इस ट्रेन के एक्सेलरेशन का कोई जवाब नहीं। एक मिनट, ये क्या था? जरूर से GPS गलत शो कर रहा है। और रात के वक्त में तो ये ट्रेन और भी बोरिंग लगने लगती है। और जल्दी ही अपना डिनर भी सर्व हो जाता है, जिसे देखकर मैं फिर से खुश हो जाता हूँ। डिनर में बढ़िया दाल चावल चिली पनीर ड्राई मिक्स वेज जाता है और वाकई में वंदे भारत का डिनर टॉप क्लास का होता है। डिनर के बाद आइसक्रीम ही मिलती है पर मैंने मना कर दिया। अभी न्यू दिल्ली अराइवल में 1/2 घंटे का वक्त बाकी है पर लोग अभी से बाहर निकलने को तड़प रहे। तो फाइनली 8 घंटों का सफर पूरा हो जाता है और शुरुआत में ट्रेन तो अच्छी लगती है पर कुछ देर बाद सब कुछ बोर करने लगता है। पर जिसको 8 घंटे में दिल्ली पहुंचना हो उसके लिए वंदे भारत बेस्ट है, पर मेरे ऐसे लोगों के लिए ये ट्रेन शायद नहीं बनी। चलिए मिलते हैं किसी और रेल यात्रा में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।